फाइनल के लिए टीम आगे आए। बैडमिंटन का अंडर 17 नाइन्थ और टेंथ का फाइनल मैच आप देख रहे हैं। बच्चों, बैडमिंटन के इतिहास में अगर हम बात करें, बैडमिंटन सर्वप्रथम भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में खेला गया था। उसमें इस खेल को पूना के नाम से जाना जाता था। लगभग 1870 ईस्वी के आसपास बरतानवी सैन्य अधिकारी जो भारत में आए थे ने इंग्लैंड में जाकर इस खेल की शुरुआत की। इंग्लैंड में जहां इसका प्रदर्शन किया गया उस जगह का नाम बैडमिंटन यानी ब्यूफोर्ट ड्यूक आवास था। इसी शहर के नाम से इस खेल को बैडमिंटन के नाम से जाना जाने लगा। सन 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में सन 1992 से शामिल किया गया है। और भी इसके महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, इस गेम के लिए जो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई है वो 44 फुट बाय 17 फुट, यानी लंबाई 44 होनी चाहिए और चौड़ाई 17 फुट होनी चाहिए। डबल्स गेम के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 बाय 20 फुट है। सिंगल्स गेम्स के लिए 44 बाय 17 फुट और डबल्स गेम्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 बाय 20 फुट है। जो जाल नेट की चौड़ाई होती है वो 2 फुट 6 इंच की रहती है। शटल कोक का भार लगभग 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और शटल कोक के जो पंख होते हैं वे उनकी जो संख्या है वो 14 से 16 के बराबर होनी चाहिए। शटल कोक के पंखों की लंबाई 2.5 इंच से लगभग 2.75 इंच के मध्य में होनी चाहिए। और जो रैकेट का भार है वो 85 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक है। अभी आप अंडर 17 के गेम देख रहे हैं, इसमें नाइन्थ और टेंथ की 16 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें से 16 टीमों में से 8 टीमों विजयी रही थी। उन 8 टीमों के मैच करवाने के बाद केवल 4 टीमें गेम में रहीं और 4 में से फिर लास्ट में 2 टीम ही अभी फाइनल मैच खेल रही हैं। इनमें रोचक मुकाबला है और इस मुकाबले के साथ साथ आपको बैडमिंटन के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। रैकेट जो होता है बच्चों, उसकी लंबाई 27 इंच होती है। बड़ा रोमांचक मैच है और इस रोमांचक मैच में गेम के जो कोर्ट है उसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको बता दी गई है। यदि बैडमिंटन कोर्ट की बात करें तो अगर इसकी आकार की बात करें तो बच्चों ये आयताकार होता है और यह दो प्रकार से खेला जाता है, सिंगल्स और डबल्स। अभी आप डबल्स के गेम्स देख रहे हैं। सिंगल्स गेम के लिए कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई 44 फुट बाय 17 फुट होती है, जैसा कि आपको बताया है। और डबल्स गेम्स के लिए 44 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा होना चाहिए। जाल रंगीन डोरों का बना होता है। इसकी चौड़ाई 2 फुट 6 इंच होती है। शटल के बारे में बताया था, पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि इसका भार 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम होना चाहिए। स्टल्स में 14 से 16 पंख होने चाहिए। ये 1 इंच से 1.5 इंच व्यास वाली कोक में मजबूती से जुड़े होने चाहिए। पंखों की लंबाई 2.5 इंच से 2.75 इंच तक होनी चाहिए। और रैकेट की बात करें, रैकेट लोहे का अथवा किसी अन्य मजबूत वस्तु का बना हुआ होना चाहिए। इसको प्लास्टिक की तारों के साथ बुना जाता है। रैकेट के एक सिरे पर हैंडल लगा होना चाहिए और रैकेट के मुख्य भाग, जैसा कि आप रैकेट देखते हैं, उसके लिए मुख्य भाग होते हैं पकड़ने के लिए हैंडल। एक ग्रिप हैंडल बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक की डोरियों वाला भाग जिस पर स्टल
लगने के बाद और उसकी जालियों की जो चौड़ाई वो भी मायने रखती है। इसके साथ ही गलमा हैंड और सॉफ्ट को जोड़ता है। फ्रेम बुनाई के बिना सारे रूप को कहा जाता है। फ्रेम जो होता है ऊपर का वो बुनाई के बिना सारे रूप को कहा जाता है। रैकेट के फ्रेम की लंबाई 680 मिलीमीटर और चौड़ाई 230 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। रैकेट का भार अधिक से अधिक 5 औंस होता है। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा 5 औंस से अधिक वज़न यदि रैकेट का होता है तो वो नियम, खेल के नियम में जो रैकेट है वो नहीं लिया जाता। और खिलाड़ी की बात करें, बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स दो प्रकार के गेम खेल जाते हैं। सिंगल्स में दो खिलाड़ी, जैसा कि सिंगल्स की बात हुई है, एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं, परंतु डबल्स में दोनों और दो दो खिलाड़ी खेलते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। खेल अधिकारी एक अंपायर होता है। बच्चों, 4 लाइनमैन होते हैं, सर्विस जज भी एक होता है, रेफरी भी एक होता है, तो कुल मिलाकर आप देखते हैं कि 7 अधिकारी इसके अंदर हैं। सिंगल्स गेम्स में दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होता है। या सिंगल्स में मैच के दौरान जब स्कोर 0 हो या बराबर हो, सर्विस करने वाला और सर्विस प्राप्त करने वाले दोनों अपने अपने कोर्ट में दाई ओर होंगे, परंतु यदि स्कोर विषम हो तो दोनों खिलाड़ी अपने कोर्ट में बाई ओर होंगे। यदि इस प्रकार नहीं हो तो फाउल भी माना जाता है। और डबल्स गेम की बात करें तो इस गेम्स में दोनों टीमों के दो दो खिलाड़ी खेलते हैं। टीम जीतने वाले खिलाड़ी टीम साइड अथवा सर्विस करने का अधिकार रखती है, यानी कि वो जो साइड चाहे वो ले सकती है और सर्विस भी उन्हीं द्वारा की जाती है। सर्विस करने वाला खिलाड़ी अपने कोर्ट के दाएं क्षेत्र से दूसरी टीम के दाएं खड़े खिलाड़ी को सर्विस करेगा। विरोधी टीम का खिलाड़ी शटल को हिट कर वापस उनके कोर्ट में फेंक देता है। इस प्रकार गेम शुरू हो जाती है। और स्कोर की बात करें अंकों की, वो किस प्रकार से अंक मिलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, पुरुषों के लिए सिंगल्स और डबल्स के लिए 21 अंकों की खेल होती है। जीतने के लिए 2 अंकों का अंतर आवश्यक है। स्कोर टैली अंकों के आधार पर की जाती है, अर्थात सर्विस गलत होने पर विरोधी को अंक मिलता है, यानी शुरुआत ही अगर गलत करे खिलाड़ी तो भी उसका नुकसान उसको ज़रूर मिलता है, दूसरी टीम को अंक मिल जाता है। इस प्रकार हम गलती पर विरोधी को अंक मिलता है। महिलाओं को के लिए सिंगल्स गेम में 21 अंक होते हैं। जीतने के लिए 2 अंकों का अंतर अत्यंत आवश्यक है। अभी फाइनल मैच 9th और 10th के बीच में आप देख रहे हैं, और साथ में इस गेम्स को देखते हुए आप जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन खेल में जो फाउल होते हैं, जिन पर अंक आपके दूसरी टीम को दिए जाते हैं, यानी स्कोर आपके ऊपर दबाव बनता जाता है यदि आप ये गलतियां करते हैं। बैडमिंटन खेल के मुख्य प्रकार हैं, उनमें सर्विस करते समय रैकेट साइड पर नहीं होना चाहिए, रैकेट फुल ऑन एक्शन में होना चाहिए। अब आपने देखा कि फाइनल हो चुका है 10th क्लास 9th क्लास का। अभी अंडर 19 के बच्चे आ गए हैं, और इन टीमों में भी इसी प्रकार से 18 टीमें थी। 18 में से 36 जो बच्चे थे, उनमें से अभी आपके सामने केवल 4 बच्चे मुकाबले में हैं, और बेहद सुंदर खेलते हुए चारों बच्चे। अब इनमें से एक टीम ही फाइनल जीतेगी और वही टीम विजेता रहेगी। बैडमिंटन खेल में फाउल की मैं बात कर रहा था, उसमें सर्विस करते समय रैकेट के बारे में बता दिया था कि साइड में नहीं होना चाहिए। सर्विस करते समय खिलाड़ी का पांव लाइन को नहीं छूना चाहिए। शटल को ब्लॉक करना फाउल है। यदि कोई खिलाड़ी शटल को 2 बार छू लेता है तो भी फाउल माना जाता है। दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए,
यदि एक पैर जमीन से ऊपर हो जाता है अथवा दोनों पैरों का आपस में तालमेल नहीं है तो भी फाउल है। जाल का को रैकेट या दूसरी वस्तु नहीं छूनी चाहिए, यदि ऐसा होता है तो भी फाउल माना जाता है। शॉर्ट सर्विस यदि आप करते हैं देन इट्स आल्सो फाउल। यदि खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी के सर्विस के समय रुकावट डाले तो भी फाउल माना जाता है। और सर्विस करने के बाद यदि स्टल कोर्ट से बाहर चली जाए, जाल के नीचे से गुजर जाए अथवा जाल को पार न कर सके तो भी फाउल होता है। बच्चों, ये जानकारी आपको इस गेम्स के दौरान दी जा रही है, आप देख भी पा रहे हैं किस प्रकार से दोनों टीमों के बेहतर खिलाड़ी फाइनल मैच में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इसी के साथ यदि बैडमिंटन के सामान्य नियम अगर उनकी बात करें, जनरल रूल्स जिन्हें हम कहते हैं उनकी बात करें, तो बैडमिंटन के जो जनरल रूल्स हैं उनमें सर्विस करने वाला या सर्विस प्राप्त करने वाला खिलाड़ी अपने अपने अर्ध क्षेत्रों की सीमाओं में खड़े होंगे और उस समय तक सर्विस नहीं करनी चाहिए खिलाड़ियों को जब तक कि विरोधी टीम का खिलाड़ी तैयार ना हो। परंतु यदि विरोधी टीम का खिलाड़ी सर्विस प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो उसे तैयार माना जाता है। विरोधी टीम के जिस खिलाड़ी को सर्विस की जाती है वही खिलाड़ी उसे खेल सकता है, दूसरा नहीं। किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान दो बार सर्विस करने का अधिकार नहीं होता है। सर्विस करने वाली टीम का एक सर्विस करती है, यदि वह फाउल सर्विस है तो दूसरा खिलाड़ी सर्विस नहीं कर सकता। दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी ही सर्विस करेगा। खेल प्रारंभ होने पर खिलाड़ी अपने कोर्ट के बाहर में कहीं भी जा सकते हैं। ये जनरल रूल्स आपको इसकी जानकारी के बारे में बच्चों, महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट एवं कप बैडमिंटन के हैं उनके बारे में यूरोपियन कप, उबेर कप, थॉम्स कप, चाइना कप, विल्स विसो कप, नारंग कप और फेडरेशन कप है। इनके अगर हम बात करें कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं उनमें प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी रहे हैं, 2001 में पुलेला गोपीचंद, 2010 में साइना नेहवाल, 2016 में पीवी सिंधु, 2021 में प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिंगल्स गेम के लिए कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, डबल्स गेम के लिए कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बैडमिंटन के जाल की चौड़ाई कितनी होती है, स्टल कॉक का वजन कितना होता है और स्टल के में कितने पंख होते हैं, रैकेट का वजन कितना होता है, रैकेट की लंबाई कितनी होती है, सिंगल गेम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार की लंबाई से चौड़ाई क्या है, किन्हीं दो खिलाड़ियों के नाम बताएं और ये रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं, जानते हैं इनसे। हमारे स्कूल के छात्र बड़े ही वरुण और सूरज बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, 3 से 4 मैच जीते हैं, फाइनल मैच भी अपने नाम किया है जिसमें गेम पॉइंट रहा था बस पे, इन्होंने 2-0 से ये फाइनल मैच अपने नाम किया है। दोनों को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा।